हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। वहीं झज्जर में मंगलवार को गांधी परिवार की एसपीजी सुरक्षा हटाए जाने को लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतरी। आपको बता दें कि कई क्षेत्रों में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व पूर्व स्पीकर डॉक्टर रघुवीर कादियान ने किया, जबकि विरोध प्रदर्शन में विधायक गीता भुक्कल और विधायक डॉक्टर कुलदीप वत्स ने भी शिरकत की। इस मौके पर पूर्व स्पीकर डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान ने कहा कि मोदी सरकार ने गांधी परिवार की सुरक्षा को हटाकर उनकी सुरक्षा से खिलवाड़ किया है, जबकि सभी को पता है कि गांधी परिवार ने देशहित में बलिदान दिया है। वहीं विधायक गीता भुक्कल ने भी कहा कि गांधी परिवार की एसपीजी सुरक्षा हटाना चिंता का विषय है। इस मामले को लेकर पूरे देश और प्रदेश में धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला अभय चौटाला को बीजेपी की बी टीम बताते थे, लेकिन अब वही खुद बीजेपी की ए टीम बन गए हैं। देश भर में धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने किए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ। आज हमने झज्जर में धरना दिया, प्रदर्शन करते हुए डीसी महोदय को एक ज्ञापन सौंपा है महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम। जो एसपीजी की सिक्योरिटी श्रीमती सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को दी गई थी। देश में जब हालात ऐसे हैं, दो दो प्रधानमंत्रियों ने परिवार की शहादत दी है, उसके बाद इस तरह की सिक्योरिटी को हटाना भी एक चिंता का विषय है, उसको लेकर भी आज हमने ज्ञापन सौंपने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी और जजपा का बेमेल सा गठबंधन है। अभी तो कह रहे थे कि चाचा हमारे बी टीम है, अब खुद ए टीम हो गए। चलिए ये तो कोई बात नहीं, राजनीति में इस तरह से गठबंधन चलते रहते हैं। ये गठबंधन की सरकार अच्छे से चले, अगर अच्छे से चलेगी तो हम सहयोग करेंगे, नहीं चलेगी तो मुख्य विपक्षी दल होने के नाते आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में पुरजोर तरीके से हम इसका विरोध भी करेंगे।